हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। और StudyIQ के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स, जो हमारा सेट है 11। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप मुझे फेसबुक के ऊपर विपन गोयल और इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपन गोयल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और ये है मेरी जीमेल आईडी का लिंक, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। यह है टेलीग्राम का ग्रुप, जितनी भी क्लासेस होती हैं मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, सारे लेक्चर सारी पीडीएफ यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ पे भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। सो पहले देखिए जी, ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये है जामा मस्जिद की, जो दिल्ली के अंदर है। तो जामा मस्जिद जो है वो सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट मॉस्क है, यानी कि सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया के अंदर। और ये बिल्कुल जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, उसके सामने ही है ये जामा मस्जिद का नज़ारा। और ये जो बनाया कब गया था, 1644 और 1658 के बीच में बनवाया गया था। और जामा मस्जिद जो है मुग़ल एम्परर शाहजहां का, क्योंकि देखिए अगर बात करें कि मुगल्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें, बिल्डिंगें किसने बनवाई हैं, तो शाहजहां ने बनवाई हैं। तो उनमें से जो लास्ट आर्किटेक्चर वर्क के अंदर अगर बेस्ट माना जाता है तो जामा मस्जिद का माना जाता है। और ये भी किसने बनवाई है जी? शाहजहां ने बनवाई है। और इसका इनॉग्रेशन जो है वो किसने किया था? इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी, जो बुखारा से थे, और बुखारा को आजकल हम उज्बेकिस्तान कहते हैं। और इस मॉस्क को पूरा कंप्लीट किया था 1656 AD के अंदर। तो यहाँ पे हमने ध्यान क्या रखना है कि जामा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, और सबसे बड़ी मॉस्क, सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई हैं। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया? सैयद अब्दुल गफार शाह बुखारी, जो उज्बेकिस्तान से थे, प्रेजेंट उज्बेकिस्तान। दूसरा है जी, देखिए ये कितना सुंदर जो है टेंपल नज़र आ रहा है आपको, ये है खजुराहो टेंपल। सो खजुराहो टेंपल जो है ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। और देखिए, नोन फॉर देयर ब्रेथ टेकिंग स्कल्पचर्स एंड एलिगेंस, कितना सुंदर नज़ारा है। और ये जो है इसकी एस्थेटिक, यानी कि एस्थेटिक मतलब किस तरीके से इसकी जो कार्विंग वगैरह कर रखी है, किस तरीके से ये मंदिर बन रखा है, ये इसका नज़ारा देखने को मिलता है हमें मध्य प्रदेश में। और ये एक्चुअली ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स का मिशन है, जो छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर देखने को हमें मिलता है। और इसको, खजुराहो टेम्पल को बनवाया किसने था? 1050 AD में चंडेल वंश ने बनवाया था, चंडेल डायनेस्टी ने बनवाया था। सो हमें याद क्या रखना है? खजुराहो टेम्पल की प्लेस मध्य प्रदेश में बनवाया किसने है? चंडेल वंश ने। और इसके अंदर जो मंदिर हैं वो कौन से हैं? हिंदू टेम्पल हैं और जैन टेम्पल हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना है। यहाँ पे देखिए जी, अगेन एक पिक्चर है, ये है महाबलीपुरम रथ। महाबलीपुरम रथ, ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, जो कहाँ पे मिलते हैं हमें? 60 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ ऑफ द चेन्नई। ये एक महाबलीपुरम वहाँ पे जो है टाउन है, और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है हमारे इंडिया के अंदर। और महाबलीपुरम जो है, यहाँ पे बहुत सारे रथ टेम्पल देखने को हमें मिलते हैं। और इसको बनवाया किसने था? पल्लव किंग नरसिम्हा ने बनवाया था। और इसकी जो रथ केव टेम्पल, जो यही चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे जो रथ केव टेम्पल है ये बनवाए गए हैं। तो हमें याद क्या रखना है यहाँ पे कि महाबलीपुरम टेम्पल रथ है, ये कहाँ पे हैं? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। और ये किसने बनवाए थे? ये पल्लव किंग नरसिम्हा ने बनवाए थे। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्टेस्ट नोन सब्सटेंस कौन सा है, ये है सॉफ्टेस्ट नोन सब्सटेंस, और इसका नाम क्या है? टाक। सो ये, इसको हम सोप स्टोन भी कहते हैं। ये सॉफ्टेस्ट मिनरल है, खनिज है, जो बहुत सारी शीट्स के, जो बहुत ज़्यादा जो ऐसे ऐसे शीट्स बनती है ना, जैसे ऐसे शीट्स का बहुत छोटी छोटी शीट से बना हुआ है, वीक होती हैं। वीक इसीलिए क्योंकि अगर हम इसको तोड़ें तो टूट जाएंगी, तो क्योंकि देखिए दे टेंड टू बी स्लिप अपार्ट अंडर द प्रेशर, जैसे इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर लाए ये बिखर जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम सॉफ्टेस्ट नोन सब्सटेंस कहते हैं, और इसका नाम क्या है? डेट इज टाक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको दूसरा नाम क्या है? सोप स्टोन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक पाम के ऊपर एक जो है मेटल रखी हुई है, और इसका नाम है गैलियम। गैलियम एक ऐसी मेटल है जिसको हम हाथ के ऊपर रखेंगे और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और हाथ पे पूरा पिघल जाता है। और अदरवाइज़ क्या है कि बॉडी में हीट है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हीट है, वो इसको हीट कैप्चर करता है और ये एकदम से पिघल जाता है। तो मेटल कौन सी पिघल जाती है पाम के ऊपर रखने से? गैलियम मेटल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ये जो लंग्स बने हुए हैं ये कौन से फॉरेस्ट हैं? ये अमेजॉन फॉरेस्ट हैं।
अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है, इनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, और ये साउथ अमेरिका के अंदर है, और यहाँ पे जो रिवर बीच में बह रही है इसका नाम भी क्या है, अमेजॉन रिवर है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मोर देन द 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एस्टिमेटेड 10 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट जो है यहाँ पे रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे बहुत सारी बारिश, बहुत सारी जो है हीट टेम्परेचर देखने को हमें मिलता है। और 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज इन द अमेजॉन बेसिन, यानी कि पूरा वर्ल्ड का 100% का 1/5 करिए 20% जो फ्रेश वाटर है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं, एक जाइंट एयर मशीन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और जिसके कारण इनको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ भी इनको बोला जाता है। और इनके अंदर जो रिवर बहती है वो वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर बहती है और लार्जेस्ट बाय द रिवर फ्लो, यानी कि रिवर वाटर फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी और लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड नंबर पर आती है, एंड दैट रिवर इज द अमेजॉन रिवर, ये बीच में इस तरीके से बहती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। किसको, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को, कहां पे है, साउथ अमेरिका के अंदर, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, बीच में रिवर जो बह रही है अमेजॉन रिवर बह रही है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, ये है सबसे स्मॉलेस्ट स्नेक, इसका नाम क्या है, इट्स बारबाडोस थ्रेड स्नेक इसको कहा जाता है, दैट इज टेट्रा चिलियोस्ट्रोमा कार्ले, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। तो आपको बारबाडोस थ्रेड स्नेक याद रखना है, एंड इट इज़ ए स्पीशीज ऑफ थ्रेड स्नेक, बिल्कुल एक धागे की तरह आपको दिख रहा है। वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट स्नेक स्पीशीज देखने को हमें मिलती है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है, कैरेबियन आइलैंड ऑफ बारबाडोस में देखने को हमें मिलती है। और कुछ इसकी रिपोर्ट कहाँ पे आई है, आइलैंड्स ऑफ एंटीगुआ एंड बारबाडू, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको मेन फैक्ट यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट नॉन स्नेक स्पीशीज है उसका नाम, दैट इज बारबाडोस थ्रेड स्नेक, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको शायद पता भी होगा, शायद नहीं भी पता होगा, कि ब्रेन का अगर मैं कहूँ कि ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट वाला जो ब्रेन है ना हमारे लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला ब्रेन जो है हमारे राइट हैंड को कंट्रोल करता है। द रीज़न इज क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस क्रॉस बने हुए हैं, ये इसके कारण जो है हमारा राइट वाला लेफ्ट को, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। देखिए क्या है, द ब्रेन्स राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स अ मसल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, and while the left hemisphere control the muscle on the right side of the human body, and ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रिस क्रॉस वायरिंग होती है हमारी ब्रेन के अंदर, known as the decussation, ठीक है, इसको decussation कहते हैं, क्योंकि क्रिस क्रॉस वायरिंग है, damage to one side of the brain affects the opposite side of the body। तो हमेशा देखेंगे कि अगर आपके जो जो कई बार चोट लग जाती है तो पैरालाइज हो जाता है बंदा, तो अगर आप राइट साइड गिरते हैं तो लेफ्ट साइड होने पैरालाइज होने की जो है चांसेस रहते हैं, और अगर आप लेफ्ट साइड गिरते हैं तो राइट साइड जो है आपकी पैरालाइज होने के चांसेस रहते हैं। और ये रीज़न क्या है, डीकसेशन, क्योंकि हमारी वायरिंग जो ब्रेन में हो रखी है वो क्यों हो रखी है, आपकी क्रिस क्रॉस वायरिंग हो रखी है। देखिए किस तरीके से ये वायरिंग हो रखी है, ठीक है, तो आंसर इज आपको पता लग गया। नेक्स्ट है, ये है जी कैंगरू रैट, कैंगरू रैट जिसे इसका जीनस क्या है, इट्स डाइपोडोमस, ये जो है ये अपना पूरी लाइफ, अपनी ज़िंदगी जो है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है, और ये देखने को हमें मिलता है हॉट एंड ड्राई एरियाज़ में देखने को मिलता है। तलवी क्या करता है, ये पानी को कंजर्व कर लेता है, जैसे कैमल्स होते हैं वो भी मेनली जो हॉट एंड ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, और इसलिए वो भी कंजर्व करते हैं, और एक कैंगरू भी क्या करता है, पूरा वाटर जो है कंजर्व करके रखता है। और ये ऑब्टेन इनफ वाटर फ्रॉम द मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ द सीड्स दे ईट टू सर्वाइव एंड डू नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर एट ऑल। जैसे ये जैसे रैट्स हैं, ये कोई भी पौधा वगैरह वहाँ पे खाते हैं, जो उसके अंदर पानी होता है उसी से ही अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, और इनको बाहर से पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, एंड दैट इज़ अ कैंगरू रैट। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है पेपर्स में, कोई भी क्विज सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, द डीपेस्ट लोकेशन ऑन द अर्थ, ये है जी मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, सो दिस इज द मेरियाना ट्रेंच, यहाँ पे देखिए जी आपको ये नज़र आ गया मेरियाना ट्रेंच, और ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है, एंड अबाउट 11 किलोमीटर डीप है।
मेरियाना ट्रेंच जो है इसको मेरियानिस ट्रेंच भी कहा जाता है इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ अबाउट द 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द मेरियाना आइलैंड। मेरियाना आइलैंड से ईस्ट साइड के ऊपर जो है आपका 200 किलोमीटर है एंड डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड है, डेट इज़ द मेरियाना ट्रेंच। एंड इट्स ए क्रिश्चियन शेप, क्रिश्चियन मतलब चांद वाला शेप का जी। देखिए दिस इज द क्रिश्चियन शेप, शेप ध्यान रखिए वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स क्रेसेंट शेप एंड मेजर्स अबाउट द 2550 किलोमीटर इन लेंथ एंड 69 किलोमीटर इन ब्रेथ। तो इतनी इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है ये पता होना चाहिए। जस्ट आपको मेन फैक्ट यहाँ पे याद होना चाहिए कि जो हमारी वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सी है, मेरियाना। कहाँ पे देखने को मिलती है, पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में कौन से एरिया में, नॉर्थ वाले साइड के ऊपर सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है और क्रेसेंट शेप है, ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, बाकी जो मेरा जीएस कोर्स है पूरा का पूरा लॉन्च होने वाला है और इसके लिए आपको प्री बुक कर सकते हैं ₹50 इस नंबर के ऊपर भेज के, और पहले 5000 स्टूडेंट को जो है प्राइस लगेगी ₹2000, अदरवाइज इसके बाद जो है आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो ₹2500 हो जाएगी। और ये हैं जी हमारे जितने भी सब्जेक्ट इसके अंदर मैंने कवर किए हैं और 250 लेक्चर हैं और भी मैं इसमें लेक्चर डालने वाला हूं, और जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा, इस हफ्ते ही ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। सो बाकी जाने से पहले, फेसबुक का लिंक है ये, इंस्टाग्राम का लिंक है ये, है मेरी जीमेल आईडी का लिंक, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कोई डाउट सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।